चंपावत के विकास खंड क्षेत्र के दूरस्थ झालापुरी गांव के निवासियों ने एक बैठक की। इस बैठक में आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी उनके गांव में एक पक्की सड़क ना होने का मुद्दा उठाया। गांव वालों का कहना है कि उनका इस्तेमाल केवल वोट के लिए किया जाता है, विकास के नाम पर उनके गांव में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। खराब सड़क के कारण कई लोगों को हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी है। यातायात का कोई साधन ना उपलब्ध होने के कारण लोगों को समय से हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा पाता है। सही समय पर उपचार न मिलने के कारण घायलों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए गांव वालों ने एकजुट होकर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया है। गांव वालों का कहना है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को वोट चाहिए तो वह पहले ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करेगा। गांव वालों का कहना है कि जो उनको रोड देगा वह उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे। हमारे यहाँ पर जो है कोई आज तक ना ही तो रोड की सुविधा है, ना ही कोई स्कूल की सुविधा है। जहाँ हमारे बच्चे कम से कम 4 किलोमीटर दूर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो बच्चों को आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। हमारा इसलिए इस टाइम हमने एक ये प्रण बनाया है कि जो हमें रोड देगा हम उसको वोट देंगे। हम ये नहीं कि हम बीजेपी को या कांग्रेस को या कोई अन्य पार्टी को किसी को नुक्त नहीं कर रहे हैं। हमारा काम जो करेगा हम उसको नुक्त करेंगे, उसको वोट देंगे। जब तक यहाँ रोड ना हो तब तक वोट ना, और रोड नहीं है यहाँ।